आरोग्य जागृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, डिप्यूटी डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद। इस साल की दिवाली के मौके पे मैं अभी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ये दिवाली अच्छी, आनंद भरी और हेल्दी जाए, इसकी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। अपनी ये दिवाली अच्छी जाने के लिए हमको कई चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं मार्केट में कि जैसे ये लोग बहुत भीड़ कर रहे हैं, कोरोना का जो उत्तरी सूत्री जो अपना प्रोटेक्शन है कि मास्क पहनना, सेफ डिस्टेंस रखना और हैंड वॉश करना, उसका पालन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ये सही है कि अभी कोरोना के पेशेंट्स कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना, इसका मतलब कोरोना गया है ये सही नहीं है। कोरोना अभी भी है, हमारे एमजीएम में भी अभी भी 15 से 20 पेशेंट एडमिटेड है, उसमें जो कुछ सीरियस भी है। तो ऐसा नहीं कि कोरोना पूरा गया है, कोरोना अभी भी है, लेकिन वो छुपा हुआ है। तो जब वो बाहर निकलेगा अगर और हम ऐसे गाफिल रहे, हमने अगर ज़रूरत सी जो प्रिकॉशंस वो नहीं ली, तो उसको स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको समझते समझते ही वो बहुत स्प्रेड हो चुका होगा। तो इसलिए अभी भी और कम से कम 5 से 6 महीना अगर यही ऐसा दौर चालू रहा कोरोना का, कि जहाँ पे पेशेंट का रिकवरी रेट ज़्यादा है और पेशेंट्स पॉजिटिविटी कम है, तब हम बोल सकते हैं कि कोरोना गया है। नहीं तो तब तक हमको प्रिकॉशन लेके जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसका फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी मराठवाड़े में कभी नहीं उतनी बारिश हो गई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई। और 3 साल पहले ऐसा था कि अभी तक जितना सूखा नहीं आया था उतना बड़ा सूखा आया था। तो ये जो एनवायरनमेंट का ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, उसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। तो उसको भी हमको थोड़े गंभीरता से लेना चाहिए। तो कम से कम हमने पोल्यूशन करना चाहिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, कम से कम फटाके जलाना चाहिए। और उसके साथ भी जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये त्यौहार है, खान पान का त्यौहार है, मिठाई बांटने का त्यौहार है, एक दूसरे के घर पे जाके मिठाई बांटना, मिठाई खाने का त्यौहार है, ये सब हमने करना चाहिए, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखते हुए करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तीनों चीज़ों की आपने अच्छे से ख्याल रखा, तो मुझे विश्वास है कि आपकी दिवाली आनंद भरी और तेजो भरी हो जाएगी। धन्यवाद। आरोग्य।